हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज भी मेरे पास बहुत सारी यूडी कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है, अर्थ वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते हैं अपने पहली न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं अल्पेश यादव के बारे में। अब ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियोस में यार बताया था कि अल्पेश यादव के रिलेटेड यार दोबारा से काफी बड़े बड़े एलिगेशन लगना स्टार्ट हो गए थे कि भाई यार जो उनका भाई ये पुराना वाला केस चल रहा था वो सांपों वाला, कि वो भाई पॉइजन वगैरह सेल कर रहे हैं उसके रिलेटेड, तो वही सारे एलिगेशन भाई दोबारा से लगना स्टार्ट हो गए थे अभी के टाइम पे अल्पेश यादव के ऊपर। तो अल्पेश यादव यार फाइनली उसी चीज के ऊपर अभी दोबारा से रिएक्ट किए, एंड ऑल्सो जो भी यार न्यूज चैनल उनके रिलेटेड है न्यूज वगैरह फैला रहे हैं विदाउट एनी एविडेंस कि भाई उन्होंने ये सब किया हुआ है, उनकी ही गलती है। एंड ऑल्सो यार कुछ कुछ ऐसे भी टीवी न्यूज चैनल्स हैं यार जो कि यार अल्पेश यादव के रिलेटेड यार फेक न्यूज भी स्प्रेड कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो इस चीज पर अल्पेश यादव रिएक्ट करते हैं। एंड ऑल्सो ऐसे न्यूज चैनल्स पे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए अपने रीसेंट वाले ब्लॉग में। वो क्या कुछ कहते हैं इसके रिगार्डिंग आप लोग खुद ही देख लीजिए। मुंह देगा, जेन्युइन बता रहा हूं, जेन्युइन वो मत समझना इसका, ये बेशक मीडिया वाला होगा पर इसके ऊपर मैंने डिफेमेशन वगैरह पता टाइम लगता है इन चीज़ों में, अगर मैं इनके पीछे लग जाऊँ ना इनके घर बार इनके घर वाले बिक जाएँ भगवान की कसम, कच्चे कच्चे बनियान बिक जाए इनके घर वालों के अगर मैं अपनी वाली पे आ जाऊँ कि डिफेमेशन डाल दूँ साढ़े ना, कोई अभी प्रूव हुआ है कुछ भी। सुनो ये इन्होंने वो बना दिया कि एल्विस तो है ही मुजरिम है एल्विस, वो भी सबसे बड़ा, लेकिन जब पुष्टि हो गई है पुष्टि हो भी गई, इसकी आवाज इतनी पहनी है कटारिया से भी ज्यादा, माँ का इसके गले में हाथ देकर आवाज बाहर निकाल दू पूरी, दिल तो ऐसा करा है मेरा। इसकी आवाज सुन दे, ड्रग्स के नीचे इनका सिस्टम है क्या? ये तो खुद ही नागिन लग रही है मेरे को। इसे बेच दूं, धंधा करने लग जाऊं। एंड ऑल्सो बिग टाइम पर अल्पेश यादव के ऊपर ये जो एलिगेशंस वगैरह लग रहे हैं कि उन्होंने यार सांपों के जहर को सील किया है ऑल्सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतनी जितनी भी चीजें यार उनके ऊपर एलिगेशन लग रहा है, यही सांप के जहर वाले एलिगेशन के रिलेटेड यार उन्होंने काफी बढ़िया रिप्लाई किया अपने रीसेंट वाले ब्लॉग में, काइंड ऑफ वो रोस्ट करते हैं इस टॉपिक को। वो क्या कुछ कहते हैं देखिए आप लोग। आज मीडिया में नई खबर आएगी, एल्विस पी रहा था दूध, कहीं सांपों से दोस्ती तो नहीं, उनके घर पे जाके पीता हो कभी, क्या चलता जाएगा क्या? बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं सनी लियोन के बारे में। तो भाई सनी लियोन के रिलेटेड अभी के टाइम पे इंटरनेट पे एक न्यूज यार बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बेसिकली हुआ क्या कि अभी रिसेंटली यार यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल रिक्वायरमेंट का एग्जाम वगैरह होता है वो चल रहा था, तो उसी में भाई एक बंदा था जो कि यार अपना एडमिट कार्ड लेके यार उस एग्जाम में पहुंचता है, और उसका भाई एडमिट कार्ड आप लोग देख के भाई लिटरली शॉक हो जाओगे। उसके एडमिट कार्ड में भाई उसका नाम लिखा रहता है सनी लियोन, एंड उसमें भाई उसने अपनी फोटोज लगा रखी थी, लाइक उसने सनी लियोन की फोटोज लगा रखी थी अपने एडमिट कार्ड के ऊपर। बट अब यार इस केस के रिलेटेड बड़ी न्यूज ये आ रही है कि भाई उस बंदे को भाई पुलिस यार अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसको ढूंढ रही है कि भाई उस बंदे ने ऐसा क्यों किया होगा। एंड ऑल्सो भाई आप लोगों का क्या ओबजेक्शन है इस क्रेजी सी न्यूज के ऊपर, भाई अपनी ओपिनियंस को मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो भाई मिस्टर बीस्ट ने एक बहुत बड़े चॉकलेट ब्रांड को भाई रोस्ट कर दिया अपनी एडवर्टीजमेंट में। बेसिकली हुआ क्या कि आप लोग तो यार जानते ही होंगे मिस्टर बीस्ट का एक काफी बड़ा यार चॉकलेट का ब्रांड है जिसका नाम है फेस्टिवल। एंड ऑल्सो यार एक और भी काफी बड़ी यार चॉकलेट की ब्रांड है जिसका नाम है हर्शीज, आप लोग को यार पता ही होगा। तो भी रिसेंटली यार फेस्टिवल जो कि मिस्टर बीस्ट का ही यार चॉकलेट ब्रांड है, उसका भी एक एडवर्टाइजमेंट आया था मिस्टर बीस्ट के साइड से, जिस एडवर्टाइजमेंट के भाई स्टार्टिंग में ही उन्होंने हर्शीज चॉकलेट का भाई रोस्ट कर दिया। क्या कुछ कहते हैं वो देखिए आप लोग। दिस इज माय ओल्ड फेस्टिवल्स चॉकलेट बार एंड एज यू नो इट टेस्ट्स बेटर देन अ हर्शीज बार। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं यूके 07 रेडर के बारे में। तो भाई यूके 07 रेडर ने भाई एक बंदे की काफी बढ़िया हेल्प करी। बेसिकली हुआ क्या कि एक ब्लॉगर है बाय द नेम ऑफ पाठक जी व्लॉग्स, एंड वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ऑल्सो अपने यूट्यूब चैनल पर भी भाई ब्लॉग वगैरह अपलोड करते हैं, एंड ऑल्सो वो हर जगह साइकिल से ट्रेवल करते हैं। तो होता क्या है कि अभी रिसेंटली यार पाठक जी व्लॉग्स ने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड किया था यूके 07 रेडर के लिए, एंड इसमें वो यही कह रहे थे यार कि मैं साइकिल से ट्रेवल कर रहा हूँ, मेरे पास कोई बाइक वगैरह नहीं है, तो प्लीज यूके भाई आप मेरी थोड़ी सी अगर मदद कर दोगे, थोड़े से अगर मेरे बारे में लोगों को बता दोगे तो मेरी काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, जैसे मुझे थोड़ी सी यार रीच वगैरह मिल जाए। बट इसी वाले रील के नीचे यार यूके 07 रेडर ने खुद ही कमेंट किया, एंड उन्होंने भाई ये काफी बढ़िया कमेंट किया जिसमें वो कहते हैं एक न्यू बाइक मेरी तरफ से आपको गिफ्ट, जय श्री राम। बेसिकली यार यूके 07 रेडर ने भाई उस बंदे को प्रॉमिस किया है कि वो उस ब्लॉगर को यार एक बाइक गिफ्ट करेंगे। अब आप लोगों को कैसा लगा यार उनका इनिशिएटिव मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं आदित्य नारायण के वायरल वीडियो के बारे में। मैंने तो ऑलरेडी यार आप लोगों को भी पिछली वाली वीडियोस में बताया था कि आदित्य नारायण ने अपने कॉन्सर्ट के अंदर जो कि यार उनका कॉन्सर्ट चल रहा था एक कॉलेज के अंदर, उसी कॉलेज के कॉन्सर्ट के अंदर यार उन्होंने अपने ही एक फैन का फोन को फेंक दिया था, एंड वो यार जो फैन है उसने यार कोई कंप्लेन वगैरह भी नहीं करी थी आदित्य नारायण के रिलेटेड, एंड वो भाई ऐसे ही चुप हो गया था। बट अभी के टाइम में भाई ये अपडेट आ रहा है कि उस कॉलेज से भाई उसी बंदे जिसका यार फोन फेंक दिया गया था उसको एक न्यू फोन गिफ्ट किया गया है। भाई आप लोग देख पाओगे, एंड ये चीज में भाई लोग यार कॉलेज को काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपका क्या रिएक्शन है इस चीज पे कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं बहुत ज्यादा क्रेजी
वीडियो के बारे में जो कि यार वैलेंटाइन डे से वायरल हो रहा है। बेसिकली हुआ क्या कि एक लड़का भाई एक लड़की को भाई रोड पे सबके सामने प्रपोज कर दिया, बट भाई उस लड़के की हो गई गंदे लेवल पे पिटाई। आप लोग खुद ही देख लीजिए कि वहां पर सीन हुआ क्या था। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो भाई लक्ष्य चौधरी ने बताया कि आप लोग यार 2024 के अंदर फेमस कैसे बन सकते हो एंड ऑल्सो पहले लोग फेमस कैसे हुआ करते थे। उन्होंने इसके रिलेटेड एक रील अपलोड किया, आप लोग खुद ही देख लीजिए। गेटिंग फेमस इन 2018 यार मैं सोच रहा हूँ एक YouTube चैनल डाल दूँ, ठीक है। उसके लिए पहले एक ट्राइपॉड चाहिए होगा अपने को, बिल्कुल ठीक है। लाइटें चाहिए होगी, बिल्कुल। और बाकी अपना कैमरा जो है वो सोनी का ठीक है। लेकिन स्क्रिप्ट राइटर बता मेरे को, मतलब इन हाउस सही रहेगा कि फ्रीलांसर? मेरे हिसाब से फ्रीलांसर ही। गेटिंग फेमस इन 2024। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो क्या भाई थारा भाई जोगिंदर यार दोबारा से अपने रैप सॉन्ग्स को यार वापस लाने वाले हैं? क्या वो दोबारा से गाने बनाने वाले हैं? इसका अपडेट दिया उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे। वो क्या कुछ कहते हैं इसके रिगार्डिंग आप लोग खुद ही देख लीजिए। तुम्हें एक अपडेट देता हूँ बड़ी खतरनाक। काफी टाइम से ना मैसेज आ रहे थे मेरे दोस्तों के, काफी लोगों के, कि जोगिंदर भाई तुम गाने वाने करो यार, क्या कर रहे हो? तो टाइम आ चुका है अब। जिस दिन 10 मिलियन हो गए ना इंस्टाग्राम पे, तुम्हारी कसम ट्रेंड ही चेंज कर दूंगा सोशल मीडिया के अंदर। और तुम्हें पता है जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं मेक्सिको की एक वायरल वीडियो के बारे में, जहां पर भाई कुछ बंदों ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया मेक्सिको का एंड ऑल्सो वहां पर भाई उन्होंने एक यूएफओ को स्पॉट किया जो कि भाई एक एलियन यूएफओ था। आप लोग वाली वीडियो को देखिए। बाकी आप लोग का क्या कुछ रिएक्शन है इस वायरल वीडियो के ऊपर है, आपको क्या कुछ लगता है कि ये रियल वीडियो हो सकती है या फिर फेक, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं यूट्यूब के एक्स सीईओ सुजैन के बारे में। आप लोग भाई जानते होंगे कि यूट्यूब के यार पहले सीईओ लाइक अभी तो नील मोहन है, बट उससे पहले यार सीईओ सुजैन थी। बट अभी के टाइम में भाई सुजैन के फैमिली के रिलेटेड एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है कि भाई उनका लड़का जो कि यार सिर्फ 19 साल का था, अभी के टाइम पे भाई उसकी डेथ हो चुकी है कल ही। एंड इसका रीजन भाई अभी तक अननोन है, बट कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से यार ये बताया जा रहा है कि जो सुजैन का बेटा था वो भाई ओवरडोज के चलते यार मारा गया, उसी के चलते वो मर गया। आपका क्या ऑब्जेक्शन है भाई इस न्यूज़ के ऊपर मुझे कमेंट्स पे जरूर बताना। अब मैं तो यार ज्यादा क्या ही बोल सकता हूँ, मैं ही सोल रेस्ट इन पीस। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं दो इंडियन यूट्यूबर्स के बारे में जिन्होंने यार कर दी है एक बहुत ज्यादा शेमफुल चीज है जिसकी वजह से यार उनको अरेस्ट किया जा सकता है। ऑल्सो भाई उनके ऊपर अभी के टाइम पे पुलिस कंप्लेन भी हो गई है। बेसिकली हुआ क्या कि दो यूट्यूबर जिनका नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया है, बट इतना बताया गया है कि वो लोग यार अहमदाबाद गुजरात से थे। एंड होता क्या है कि यार वही दोनों यूट्यूबर यार जा रहे थे कार से, तो वहां पर भाई उन्होंने एक बंदे को लिफ्ट दिया जिसकी यार एज जो है 78 ईयर की थी, लाइक वो काफी ज्यादा बूढ़ा आदमी था। एंड उसकी यार इन दोनों लोगों ने यार सीक्रेटली वीडियो रिकॉर्ड कर ली और उसकी यार वीडियो डाल दी YouTube पे ये टाइटल रख के कि दिस ओल्ड मैन हैड अ टी विद बिलियनर इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी। एंड ये चीज यार काफी ज्यादा गलत है, आप लोगों को पता होगा, बिकॉज़ भाई किसी के परमिशन के बिना किसी की यार वीडियो बनाना एंड ऑल्सो उसको इंटरनेट पे डाल देना ये भाई बहुत ज्यादा शेमफुल चीज है। एंड उसने यार बस लिफ्ट इसीलिए दिया था उस बूढ़े आदमी को जैसे यार वो कंटेंट बना सके। आपका क्या रिएक्शन है भाई मेरे को कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस को जरूर बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं टोटल गेमिंग के बारे में। तो ऑलरेडी यार मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में बताया था कि टोटल गेमिंग ने कहा था कि वो बहुत जल्दी यार अपने सेटअप टूर की वीडियो डालने वाले हैं अपने चैनल के ऊपर में। तो फाइनली भाई उन्होंने अपने सेटअप टूर की वीडियो डाल दी, अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग को भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं यशस्वी जायसवाल के बारे में। तो भाई यशस्वी जायसवाल जो कि यार इंडियन क्रिकेटर हैं, उन्होंने यार बना दिए एक बहुत बड़ा यार रिकॉर्ड, लाइक काइंड ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो बेसिकली हुआ क्या कि अभी तो आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का यार चल रहा है टेस्ट सीरीज, तो उसमें यार अभी यार यशस्वी जायसवाल ने उसी सीरीज के अंदर भाई 26 लगा दिए हैं टेस्ट सीरीज में, और वो भी भाई 147 साल में आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। आप लोगों का क्या ऑब्जेक्शन है यार यशस्वी जायसवाल के इस इनसेन रिकॉर्ड के ऊपर, मुझे अपने ओपिनियंस को कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो भाई ट्रिगर्ड इंसान का भाई एकदम कंप्लीटली लुक अलाइक फाउंड कर लिया गया है, मतलब उनका सेम टू सेम एक डुप्लीकेट फाउंड कर लिया गया है इंटरनेट पे, एंड इसकी वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। वक्त की आंधी से तूफान बदल जाते हैं, जिंदगी की राहों से इंसान बदल जाते हैं, और दोस्ती कभी खत्म नहीं होती मेरे दोस्त,
दोस्ती करने वाले इंसान बदल जाए। एंड ऑल्सो इसी वाली वीडियो के ऊपर ट्रिगर इंसान ने खुद ही रिएक्ट किया, वो यार ये आई वाला इमोजी देते हैं कमेंट सेक्शन में, भाई आप लोग खुद ही देख सकते हो। आप लोग का क्या ऑब्जेक्शन है इस वीडियो पे कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं गेमर फ्लिट के एक बहुत ज्यादा क्रेजी फैन के बारे में। बेसिकली हुआ क्या कि ये गेमर फ्लिट के एक फैन ने यार एक स्क्रीनशॉट शेयर किया अपने इंस्टाग्राम पे, जहां पर यार वो दिखाता है कि वो अपने एग्जाम के अंदर उसे ये पूछा गया था कि आइडल पर्सन आपका क्या है, तो वहां लिखता है अंशुमित/गेमरफ्लिट। एंड उसके नीचे यार ये भी लिखा रहता है कि आपका इंस्पिरेशन आपको किस तरीके से इंस्पायर करता है, जिसमें गेमरफ्लिट के फैन ने यार लिखा गेमरफ्लिट के लिए ब्रदर टॉट मी अबाउट ब्रदरहुड एंड ही शोड दैट एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वर्क हार्ड। एंड आप लोग यार देख ही पा रहोगे कितना बढ़िया तरीके से लिखा था यार गेमरफ्लिट के फैन ने उनके लिए, तो इसी वाली स्टोरी को यार गेमरफ्लिट ने खुद ही शेयर किया एंड वो ये हार्ट वाला इमोजी देते हैं। मेरे को तो भाई काफी बढ़िया लगी स्टोरी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में भाई जरूर बताना। तो चलो यार गाइस बस अभी के लिए इतनी न्यूज़ थी, लेकिन जो न्यूज़ मिलेगी यार मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। न्यूज़ सबमिशन के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप लोग वहां पर जाकर मुझे कोई न्यूज़ सबमिट करोगे तो यार डेफिनेटली मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट दूंगा। मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।